अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक क्लब। की उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आया हूँ अपने एक दोस्त भाई के पास। उनके पास कुछ कलेक्शन है GTO 125 और सारे कावासाकी वगैरह की। उनमें से जो सबसे खूबसूरत बाइक मुझे लगे हैं ना, वो ये लगा है। तो इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पे इसके आप देख सकते हैं हेडलाइट ऑलमोस्ट न्यू जेन्युइन लगी हुई है। इसका फ्रंट मोनोग्राम भी जेन्युइन लगा हुआ है। फ्रंट शॉक्स वगैरह आप इसके देख सकते हैं, फुली टनाटन। और फ्रंट मड गार्ड जेन्युइन है। और उसके अलावा आपको वैसी चीज़ें दिखा रहा हूँ, टोटल बाइक जेन्युइन कंडीशन में है, सिर्फ आपको वैसे दिखा रहा हूँ मैं। इसके अलावा फ्रंट रिम इसका किधर गया, फ्रंट रिम भी जेन्युइन है, आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। इसके अलावा फ्रंट कैलिपर वगैरह आप कंडीशन देख सकते हैं, स्टिकर भी ऊपर जेन्युइन लगा हुआ है, डिस्क वगैरह कंप्लीट बाइक इस टाइम जेन्युइन है। अगर हम इसके ग्रिप्स की बात करें तो वो भी मेड इन जापान की लगी हुई है। ये फोकस, खैर आपको नज़र आ जाएगा मेड इन जापान। उसके अलावा ये वाली ग्रिप्स भी मेड इन जापान लगी हुई हैं। और लिवर वगैरह मेड इन जापान आपको नज़र आ गए होंगे। उसके अलावा ये मास्टर सिलेंडर मीटर जापानी लगा हुआ है। ये इसकी चाबी बी सीरीज़ वाली। उसके अलावा स्विच वगैरह जेन्युइन लगा हुआ है, ज़ाहिर चाबी जेन्युइन, स्विच भी जेन्युइन होगा। हैंडल वगैरह इसका जेन्युइन है। ये ग्रिप आप देख सकते हैं, इसके भी जो है लिवर लगा हुआ है जेन्युइन है। उसके अलावा पेंट क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसी है, पेंट क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी है। अभी पॉलिश वगैरह नहीं हुआ हुआ, ऐसे ही साफ़ हुआ हुआ है। और उसके अलावा ये मोनोग्राम जेन्युइन लगा हुआ है, और ये मोनोग्राम भी जेन्युइन लगा हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं इसकी ये वाली टापे वाली ऑयल गेज। उसके अलावा ये रिफ्लेक्टर जेन्युइन लगे हुए हैं, और इस टाइम 75 के सिलेंडर पे है ये, पिस्टन पे जेन्युइन सिलेंडर, जापानी सिलेंडर। उसके अलावा स्टिकर आप देख सकते हैं जेन्युइन है, ऊपर लेमिनेशन हुई भी है। कार्बोरेटर 2.5 वाला GTO 125 का किक जेन्युइन है, साइलेंसर वगैरह टोटल जेन्युइन। और उसके अलावा सीट कवर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। बैक टेक जेन्युइन 91 मॉडल है बाइक, ये बैक कवर भी इसका जेन्युइन है। और इशारे भी इसके स्टैनले के जेन्युइन लगे हुए, उल्टे लगे हुए लेकिन जेन्युइन लगे हुए। उसके अलावा प्लेट भी लोहे वाली जेन्युइन लगी हुई है। ये रिफ्लेक्टर भी जेन्युइन है, और बैक रिम भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जेन्युइन लगा हुआ है। उसके अलावा जितने नट बोल्ट्स हैं आप ये देख सकते हैं, ये हेलमेट लॉक भी लगा हुआ है इस पर, और ये सारे नट बोल्ट्स जेन्युइन है। बैक शॉक्स भी अपने क्रोम पेंट में जेन्युइन लगे हुए हैं। ये फ्यूल कॉक भी जेन्युइन लगा हुआ है। उसके अलावा जो जिस चीज़ की बात करें वो जेन्युइन लगी हुई है। आपको मैं अब इसका साउंड टेस्ट कराता हूँ और इसकी छोटी सी राइड पर चलेंगे। Thank you.
खैर तो ये थी आज की वीडियो में, इनका तो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा आपको इस बाइक के साथ, ये मुझे बहुत ही अच्छा प्यारा लगा था इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। उसके अलावा बैक पे देख सकते हैं कि जितने बाइक्स खड़े हुए हैं इस टाइम, ELX खड़ा है, GT 15 आगे खड़ा है, 3 GT 15 खड़े हैं, 2 110 खड़े हैं, ELX खड़ा है, स्पोर्ट्स खड़ा है, तो सब की वीडियो आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो इस कलेक्शन पे आएगी जिनमें ये भी शामिल होगा। वैसे इसकी मैं इसलिए अलग बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।